Good morning, friends. Today we are going to start class 10, the first chapter, the skills of surgery, footprints without it. First of all, we will discuss some of the leading characters of the chapter. The first one is Kitty, a dog, a lovely dog, a pretty dog. The second character is Mrs. Pomfrey. She is the owner of Kitty and she is very rich. She used to love her dog too much. And third one is Mr. Harrywood. That is a veterinary doctor. Let us start the story. Kitty, जो Mrs. Pomfrey का dog है और ये बहुत ही lovely है और Pomfrey जो है उसका बहुत care करती है. एक्चुअली शी इज वेरी रिच, वो बहुत धनी होती हैं और वो अपने डॉग Kitty को अपने ही लड़के की तरह मानती हैं. कभी भी एक क्षण के लिए भी उससे अलग होना उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है. वो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, वो हर एक चीज़ को प्रोवाइड करती हैं जो उसे अच्छा लगता है, जो खाता है वो हर एक चीज़ करती हैं जो वो करना चाहता है. तो स्टार्टिंग जो है स्टोरी का, जो मिस्टर हैरियट हैं, जो ये वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, वो एक दिन मिसेस पॉम्फ्री के लेंस से गुजर रहे होते हैं अपनी कार से, अपने हॉस्पिटल जाने के लिए, अपने क्लिनिक जाने के लिए. तभी वो देखते हैं कि मिसेस पॉम्फ्री जो हैं Kitty को लेकर के आ रही हैं. जब वो Kitty को देखते हैं तो Kitty बहुत ज़्यादा फैट हो चुका होता है, बहुत ह्यूज हो चुका होता है. उसके जो टॉम होते हैं, उसकी जो जीप होती है वो बाहर लटकती हुई है, उससे जो पॉट बना हुआ है और उसके जो पैर है बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं और बहुत कठिनाई से वो चल पा रहा है. ये देख वो सडनली समझ जाते हैं कि Kitty जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं है उसका जो है वो उस चीज का नहीं लग रही है. जब वो मिसेस पॉम्फ्री के करीब जाते हैं तो पूछते हैं Kitty के बारे में. तो मिसेस पॉम्फ्री जो है बताती हैं कि Kitty जो है आजकल कुछ ठीक नहीं है, यानी कि वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है. तो फिर जो मिसेज जो हैरियट है, मिस्टर हैरियट हैं, वो पूछते हैं कि मैंने जो आपको Kitty के कुछ फूड कट करने के लिए बोला था, कुछ स्वीट्स हमने कट करने के लिए बोला था, हमने बोला था कि इसको स्वीट्स नहीं देना है, इसको मिठाइयाँ नहीं देनी है, तो क्या आपने ऐसा किया? मिस्टर हैरियट उसे पूछते हैं. तो कहती है क्योंकि मिसेस पॉम्फ्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने Kitty को. तो कहती हैं कि नहीं सॉरी डॉक्टर साहब, क्योंकि इसे Kitty को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ये आजकल कुछ ज़्यादा खा पी नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि ये जो इसका फेवरेट है मैं इसको दूँ ताकि कम से कम वो तो खाए, और इसलिए मैं इसके जो स्वीट्स आपने बोला था कि कट करने हैं, इसको मीठा चीज़ नहीं देना है, इसको मिठाई नहीं खिलाना है, तो मैं नहीं कर पाई. नेक्स्ट जो है डॉक्टर यानी कि मिस्टर हैरियट फिर पूछते हैं कि फिर इसके जो मैंने एक्सरसाइज के लिए बोला था कि इसको बहुत सारा एक्सरसाइज कराना है इसको, तो क्या उस बारे में क्या हो रहा है? तो कहती हैं कि वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो उनका गार्डनर है, उनका जो माली है, वही इसको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए ले जाया करता था या फिर वो गार्डन में रिंग थ्रो करता था और ये जो डॉग है यानी Kitty जो है वो दौड़ करके रिंग को लाता था, लेकिन सडनली उसको कुछ काम पर गया अपने घर पे, वो गांव चला गया है, वो छुट्टी पे है और यही कारण है कि उसका जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली हैरियट जो हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, इसके कुछ भोजन जो कट कर दीजिए, इसको हल्का भोजन दीजिए और बहुत सारा एक्सरसाइज जो है कराइए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है. उनको वार्न करके फिर मिस्टर हैरियट जो है अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक पे चले आते हैं. तो उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया होता है बिल्कुल वैसा ही घटना होता है. कुछ ही दिनों बाद मिसेस पॉम्फ्री का कॉल आता है और वो बोलती है कि देखिए ना डॉक्टर साहब, Kitty जो है कुछ भी खा नहीं रहा है, वो वोमिटिंग कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है,
कुछ भी अच्छा उसका रिएक्शन नहीं है। क्योंकि मिस्टर हैरियट को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मिसेज पॉम्फ्री जो है उसके फूड कट नहीं करने वाली है, बहुत सारे एक्सरसाइज को मिलने वाला नहीं है, और इसका मतलब है कि बहुत जल्द चीकी जो है वो बीमार होने वाला है। तो उन्होंने पहले से ही कुछ प्लान उसके लिए तैयार कर रखा है, रखा होता है। वो तुरंत मिसेज पॉम्फ्री के घर पहुँच जाते हैं और उसको लेकर के, यानी कि उनका जो डॉग होता है ट्रिकी, उसको लेकर के अपने कार में रख लेते हैं। उसके बाद जब उसको अपने कार में बैठाते हैं तो उनका जो चेहरा होता है, यानी मिसेज पॉम्फ्री उसके जो हेडमिस्ट्रेस हैं, उस घर की जो मालकिन हैं और जो ट्रिकी बहुत केयर करती हैं, उनका चेहरा जो है बहुत उदास जाता है। जैसे ही डॉक्टर अपने कार में उसको लेकर के ट्रिकी को रखते हैं, जितने भी नौकर होते हैं घर के वो सभी दौड़ने लगते हैं। उसकी जितनी फेवरेट चीज़ें होती हैं, उसके फेवरेट कोर्स होते हैं, कॉसन्स होते हैं, उसके फेवरेट स्वीट्स, ये सब ला करके उनके कार में रखने लगते हैं। जब मिस्टर हैरियट देखते हैं कि बहुत सारा सामान है और ये सारे सामान मेरे कार में नहीं आ पाएंगे, तो जल्द से अपने कार में सवार हो जाते हैं और ड्राइव करना शुरू करते हैं। जब उनकी गाड़ी मिसेज पॉम्फ्री के घर से बाहर उनके गेट से क्रॉस करती है और मुड़ती है, तो वो अपने मिरर से देखते हैं कि जो मिसेज पॉम्फ्री है और उनके सारे जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो सारे रो रहे होते हैं। मालूम ऐसा हो रहा हो कि किसी लड़की की विदाई हो रही हो। उसके बाद मिस्टर हैरियट जो हैं ट्रिकी को अपने क्लिनिक में लेकर जाते हैं, और जैसे ही लेकर जाते हैं तो बहुत सारे डॉग जो हैं उनके ऑलरेडी क्लिनिक में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रिकी को अपने कार से निकाल करके नीचे फर्श पे रख देते हैं। ये देख बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं वो आकर के उसको हॉल करने लगते हैं, उसको गोल गोल घूमने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, लेकिन ट्रिकी थोड़ा भी मूव नहीं करता है, चेहरा उठा के देखता भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी डॉग्स होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, कोई और रोचक चीज़ है, और यही मान करके वो सारे डॉग जो हैं वो बाहर खेलने के लिए गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी जो है, डॉक्टर उस वहाँ से उसका जो सर्जरी है, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ सिंपल सर्जरी की बात की गई है, एक मनोरंजन करने वाली सर्जरी की यहाँ बात की गई है, एक आनंददायक सर्जरी की बात की गई है, तो यहाँ से जो सर्जरी जो है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। स्टार्ट कैसे होती है, उसका बेड लगाया जाता है, और बेड भी कुछ खास व्यवस्था नहीं, मतलब जहाँ पे सारे डॉग के रहने की व्यवस्था होती है वहीं से उसका भी बेड लगता है, ट्रिकी वहीं पर रहता है। और अगले दो दिनों तक मिस्टर हैरियट जो होते हैं उसको बहुत सारा पानी देते हैं पीने के लिए ट्रिकी को, लेकिन भोजन नहीं देते हैं। अगले दो दिनों तक उसे कुछ भी भोजन नहीं दिया जाता, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी दी जाती है। तीसरे दिन जो है ट्रिकी जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, मतलब थोड़ा सा हिलता डुलता है, थोड़ा सा भोंकता है, थोड़ा सा बाहर आता है। तो थर्ड दिन जब लंच टाइम होता है, सारे कुत्तों को एक लाइन से एक बॉल, एक कटोरे में उनका भोजन तैयार करके रखा जाता है, ट्रिकी के लिए भी एक रखा जाता है। सारे कुत्ते आते हैं और अपने बॉल को फटाफट खाने लगते हैं। जब वो खाते हैं तो उनकी खाने से उनकी जो जीभ की आवाज़ थी लिक करने का चाटने का, वो साफ साफ सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि खाने को लेकर के कंपटीशन होता है। सबको ये पता होता है कि यदि मैं खाना अपना जल्दी नहीं खाया और कोई दूसरा अपना खाना पहले कंप्लीट कर लिया, तो वो हो सकता है कि वास्ते उसे झगड़ने लगे, उसे खाने को छीनने का प्रयास करने लगे, तो सब जल्दी जल्दी खाते हैं। यह देख करके जो ट्रिक होता है वो भी बहुत तेज से खाता है, और जब सारे डॉग खा करके बाहर फिर खेलने चले जाते हैं, तो ट्रिकी क्या करता है, बाकी जो भी बॉल्स होते हैं, जो भी कटोरे होते हैं, उनको जाकर फिर से लिक कर लगता है, यानी कि चाटने लगता है, ठीक है ना। तो इससे लगता है मिस्टर हैरियट को कि हाँ, ये जो है अब रिकवर कर रहा है, तो थोड़ा सा उनको मन में खुशी होती है कि चलो बिना मेडिसिन के ये ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है उसको टिकी के लिए दो बॉल भोजन, यानी दो कटोरा भोजन जो है फूड जो है प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, और ट्रिकी पूरा का पूरा खा लेता है।
देखिए ट्रिकी जो है शुरू से ही इसको बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। जब जैसे पॉम्फ्री वर्क होता है तो जैसे पॉम्फ्री उसको लिए बहुत सारी चीज़ें देती हैं, बहुत सारे स्वीट्स, केक, चॉकलेट, बहुत सारे फूड्स, बहुत सारे टेस्टी फूड्स। उसमें उसमें एक गलती ये होती है कि वो कभी भी फूड को नो नहीं करता है, कभी भी फूड को छोड़ता नहीं है। जब भी उसको दे दो, जितना भी दे दो, जो कुछ भी दे दो खाने के लिए, वो भर पेट खा लेता है और अपने पेट से ज़्यादा ही खा लेता है, अपने मतलब औकात से ज़्यादा ही खा लेता है। और उसके जो फैटनेस का कारण होता है वो यही होता है, और वो लगातार फैटी होते जाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, बीमार पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात डॉक्टर को पता होती है। सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए इसके भोजन कट करना पड़ेगा, इसे एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। तो यही होता है, जब सेकेंड दिन उसके लिए दो बॉल, दो कटोरे भोजन खाए जाते हैं तो बहुत ही एक्टिवली वो खाता है उसको, और फिर उन सारे जानवरों के साथ में खेलने के लिए बाहर चला जाता है। और बहुत जल्द ही उससे बहुत ज़्यादा उन सारे डॉग से घुल भी जाता है। डॉक्टर की क्लिनिक के बगल में एक बहुत ही पुराना सा घर होता है जो बहुत पहले से बंद होता है। तो शाम के टाइम में सभी जो जानवर होते हैं, सभी जो डॉग्स होते हैं, उसमें जाते हैं शिकार करने के लिए। किसका? तो वहाँ पे माउस का शिकार करने के लिए, यानी मूस का, चूहा का शिकार करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो वो भी उनके साथ जाता है, बहुत सारा इंजॉय करता है, सबके साथ में खेलता है, दौड़ता है, और बहुत अच्छी रिकवर और बहुत जल्द ही रिकवर करने लगता है। यह देख करके मिस्टर हरिवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चलो भाई मेरा जो टेक्निक था वो काम कर रहा है। इस दौरान जो उसके मिसेज पॉम्फ्री होती हैं, वो कई बार दिन भर में कई बार उस डॉक्टर के पास फ़ोन करती हैं ये पूछने के लिए, जानने के लिए कि उसका टिटी कैसा है, कुछ खाया कि नहीं खाया, उसके कपड़े चेंज किए गए कि नहीं किए गए, कौशन जैसे यानी उसके जो तकियाँ हैं वो चेंज किए गए कि नहीं किए गए, कैसा है, चल रहा है, फिर रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को पूछती हैं। और डॉक्टर बस एक ही चीज़ कहता है कि हाँ इज गुड एंड गेटिंग बेटर, मतलब वो अच्छा है और दिनों दिन अच्छा होते जा रहा है। तो यहाँ पे मिसेस पॉम्फ्री को थोड़ा सा आराम मिलता है। अब जैसे ही मिसेस पॉम्फ्री को ये पता चलता है कि उनका डॉग जो है अब ठीक हो रहा है, तो उनको लगता है कि उसके पास शायद एनर्जी की कमी हो गई होगी। तो यहाँ पे मिसेस पॉम्फ्री बहुत सारे उसके लिए हॉर्लिक्स, चॉकलेट, उसके लिए अंडा, ये सब भेजना शुरू करती हैं ताकि अंडा उसको, उससे प्रोटीन मिले, उसको एनर्जी मिले। लेकिन ये जो एक्स जो हैं, जो मिसेस पॉम्फ्री अपने डॉग के लिए भेजती हैं, टिकी के लिए भेजती हैं, वो एक्चुअली ये मिस्टर हैरियट जो है उनको पता होता है कि यदि इस तरह के भोजन फिर से मिलने लगे उसको तो वो फिर फैट हो जाएगा। तो उसको ये भोजन देना नहीं चाहते हैं वो। और जो उनके और भी बहुत सारे क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं, जब मॉर्निंग का उन लोगों का ब्रेकफास्ट होता है तो वो लोग उस अंडे का यूज़ ब्रेकफास्ट में करते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं हॉर्लिक्स या फिर जो चीज़ें होती हैं उनका भी यूज उन्हीं डॉक्टर के द्वारा की जाती है। डॉक्टर को भी अब लोगों को मज़ा आने लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रियस चीज़ें जो हैं मिस्टर पॉम्फ्री के द्वारा टिकी के लिए भेजा जाता है। बात तो तब बन जाती है जब मिस्टर पॉम्फ्री अपने कुत्ते टिकी के खून को बढ़ाने के लिए, रिलीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जब वाइन भेजने लगती हैं, और भी ब्रांडी, बहुत महंगे महंगे वाइन, तब तो डॉक्टर की और मौज हो जाती है। सुबह जब नाश्ता वो करते हैं तो दो दो पैक ले लेते हैं, फिर रात्रि में जब वो लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात एक फायर प्लेस के पास चारों तरफ बैठ करके और सब लोग इंजॉय करते हैं और पीते हैं। यानी कि जो चीज़ें टिकी के लिए भेजी जाती है वो सारे चीज़ें जो हैं वो सारे डॉक्टर से मिलकर के इंजॉय करते हैं। हालांकि इन चीज़ों को लेकर के अब सब लोग को बहुत मज़ा आने लगता है और सब लोग सोचते हैं क्यों ना टिकी को परमानेंटली गेस्ट बना लिया जाए ताकि ये सारे चीज़ें जो हैं उनको मिलते रहे। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता होता है कि वो यानी कि मिस्टर पॉम्फ्री अपने टिकी को लेकर कितना बेचैन होंगी, वो किसे उसे कितना लाइक करती हैं, वो उनको एहसास होता है, और वो अपने फर्ज को लेकर के, वो अपने उस चीज़ को लेकर के उस इमोशन को रोक नहीं पाते हैं। और लास्टली वो मिसेज पॉम्फ्री को कॉल करते हैं, कॉल करके बताते हैं कि आपका जो डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, टिकी जो है बिल्कुल सही हो गया है। और जैसे ही वो सुनती है, मानो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो गई है, तो वो
बहुत जल्द ही अपने कार में बैठते हैं, एक लंबा सा कार होता है, उससे पहुंचती हैं उनके क्लिनिक पे और उनको पूछती है कि रियली माई डॉग इज ओके, इज हेल्थी, इज नाउ फाइन। डॉक्टर जो है उसको उनको बिलीव कराते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ डॉग जो है क्योंकि उसको भी जो है उन कुत्तों के साथ में घूमना फिरना खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, शायद वो अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर हैरियट उसको लेकर के उठा करके बाहर लाते हैं मिस्टर पॉम्फ्रे को देने के लिए, जैसे ही गेट पर लाते हैं तो जब ट्रिकी अब मिस्टर पॉम्फ्रे को देखता है तो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि उनके गोद से छलांग मार करके कूद करके जाकर के उस कार में चढ़ जाता है, उनके लैप में जाकर के यानी कि उनके गोद में जाकर के बैठ जाता है और उनके चेहरे को लिख कर लगता है, चाटने लगता है। मिस्टर पॉम्फ्रे अपने चेहरे को बजाने का हाइड करने का प्रयास करती हैं लेकिन ये उसके जो लव करने का लव शो करने का उसका प्रेम के दिखाने का एक तरीका होता है। और मिस्टर पॉम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा थैंक्स देती हैं मिस्टर हैरियट को और फिर उनकी गाय जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है और पिंप ऑफ सर्जरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।